नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेलवे के पुराने सालों में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी लोको पायलट ग्रुप डी और टेक्नीशियन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेलवे का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल उन्हीं के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो रीजनिंग के लिए मैंने बुक्स आप लोगों को ये वाली बताई हैं। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 10 में से आपको कितने आते हैं ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, सो दैट आपकी तैयारी का भी लेवल पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर एक दे रखा है, टायर्ड का जो रिलेशन वर्क से है उसी तरीके से ये पॉइंट बना रखे हैं, हैप्पी का रिलेशन किस चीज़ से होगा। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, थका मांदा, इस तरफ है कार्य और इस तरफ है प्रश्न और ये है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, रेस्ट, सक्सेस, ईटिंग, एक्सरसाइज। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से कमेंट करेंगे कितने आपके सही हुए 10 में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सक्सेस। कैसे, देखो जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हमें सफलता मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि देखो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है, यहाँ पर केवल एक चीज़ और यहाँ पर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हमें करना क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक ये देखिए, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना होता है, वही हमें यहाँ पर रिलेशन बिठाना होता है। ठीक है, इसको हम रिवर्स में भी सोच सकते हैं। जैसे हम लोग थक जाते हैं कार्य करके, इसी तरीके से हमें हैप्पीनेस मिलती है सक्सेस मिलने पर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसका सही है वो अपने आप को सही मार्क्स दे लेगा, अदरवाइज आपके 0 मार्क्स। अगला है क्वेश्चन हमारा, वॉश, क्लोथ, स्वीप का रिलेशन किस चीज़ से होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी में भी दिया है, आरआरबी लोको पायलट बिलासपुर 2012 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है फेस, प्यून, फ्लोर, स्वीपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो वॉश हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ्स को, कपड़ों को धोया जाता है। इसी तरीके से स्वीप हम किस चीज़ को करते हैं, देखो चेहरे को तो स्वीप करेंगे नहीं, प्यून को तो करेंगे नहीं, स्वीपर को तो करेंगे नहीं, फर्श को स्वीप करते हैं, तभी तो कहते हैं स्वीपर कहाँ है, जो फर्श को साफ करने वाला होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, की, लॉक, उसी तरीके से स्विच का रिलेशन किस चीज़ से है। की का जो लॉक से रिलेशन है इसी तरीके से स्विच का किससे है। ऑप्शन है बोर्ड, फैन, इलेक्ट्रिसिटी या ऑन। तो इनमें से देखो क्या हो जाएगा, जो चाबी होती है वो ताला का एक हिस्सा होती है, चाबी से ही ताला खुलता है। इसी तरीके से बोर्ड का हिस्सा क्या होगा, स्विच। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, बोर्ड। इसका फैन, इलेक्ट्रिसिटी और ऑन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार का रिलेशन जो है गैरेज से, इसी तरीके से एयरक्राफ्ट का रिलेशन किस चीज़ से होगा। 2008 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स मुझे मिलेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाने का। और इतना मैं जानता हूँ कि मैं आपकी पूरी तैयारी करा सकता हूँ, बस आप लोगों का मुझे चाहिए साथ। तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो चार ऑप्शन, हैंगर, एयरड्रोम, जेटी, सेलेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एयरड्रोम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि कोई भी कार होती है उसको गैरेज में रखा जाता है, इसी तरीके से एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको एयरड्रोम में रखा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर, बुक और उसके बाद में पूरा क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, प्योट, प्यून, कंपोजर, सॉन्ग, चेयर, कारपेंटर, बिल्डिंग, आर्किटेक्ट। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करके देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोजर और सॉन्ग। देखो जिस तरीके से कोई भी बुक होती है उसको कौन लिखता है, राइटर। इसी तरीके से कोई भी सॉन्ग होता है उसको कौन लिखता है, कंपोजर। गाना लिखने वाले को बोलते हैं कंपोजर। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठे क्वेश्चन को देखते हैं, टीथ, पायरिया,
इसी तरीके से एक्जिमा और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फुसफुस, नेत्र, हृदय, त्वचा। तो इसका सही आंसर जल्दी से टिक करिए, सही आंसर देखो, जिस तरीके से पायरिया क्या है ना, दांत में लगने वाला एक रोग है, इसी तरीके से एक्जिमा एक तरीके से त्वचा संबंधी रोग है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का जो रिलेशन देहरादून से है, उसी प्रकार मिजोरम का वो संबंध किस चीज़ से होगा। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उसी प्रकार जो मिजोरम है उसकी राजधानी होगी आइजवाल। तो आइजवाल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्राइम का जो रिलेशन कोर्ट के साथ में है, डिजीज़ का वही रिलेशन किसके साथ में है। तो ऑप्शन है डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ट्रीटमेंट। तो टिक करिए जल्दी से, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो कोई भी क्राइम जो होता है वो कहाँ पर सॉल्व किया जाता है, कोर्ट में। इसी तरीके से कोई भी जो डिजीज़ होगी वो कहाँ पर हमें हम सही करा सकते हैं या कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो लोग देखो, ये हमारी रीजनिंग की क्विज चल रही है, जो लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास में टाइम कम है, तो वो मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाकर मैथ की वीडियोस देख सकते हैं। देखिए आप अनअकैडमी पर जैसे ही जाएंगे, उसमें आप मेरा नाम टाइप करेंगे, सौरभ गुप्ता, तो इस तरीके से मेरा प्रोफाइल आएगा आपके पास में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारे वीडियोस बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। देखो एवरेज पूरा पढ़ा दिया है 5 चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ, उसके अलावा आप देख सकते हैं एज वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, सो दैट आपकी तैयारी। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कंपास का जो रिलेशन सिप के साथ में है, इसी तरीके से वास्तु का वो रिलेशन किसके साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से टिक करेंगे सही आंसर, RRB लोको पायलट 2003 का क्वेश्चन है ये। देखो कंपास यूज़ किया जाता है सिप को डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रदान करने के लिए, इसी तरीके से वास्तु का यूज़ करते हैं हम लोग बिल्डिंग या भवन के निर्माण में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कंपास का यूज़ करते हैं किसी भी सिप को डायरेक्शन में लाने के लिए, और इसी तरीके से वास्तु का यूज़ करेंगे किसी भी सिप को डायरेक्शन, किसी भी घर को या भवन को बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुक का जो रिलेशन लाइब्रेरी से है, इसी तरीके से फाइल का रिलेशन वो किसके साथ में होगा। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बाइट्स, फोल्डर, कंप्यूटर, डेटा, सही ऑप्शन टिक करिए। देखो जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक होती है, पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है, पुस्तकालय में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं पुस्तकालय में पुस्तक होती है, इसी तरीके से फाइल के अंदर क्या होता है, डेटा। फिर से समझना इसको, देखो पुस्तकालय में क्या होती है, बुक, इसी तरीके से फाइल में क्या रहेगा, डेटा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटा। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए, इसी तरीके से हम रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते रहें। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए। तो 10 में से आपका कितना स्कोर है ये कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसा वीडियोस और भी बनाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये जो भी मैंने अभी आपको PDF पढ़ाया है, इसका मैं PDF आपको ग्रुप पर भी दे दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये देखिए रेलवे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस पर आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी स्टडी मटेरियल होगा वो मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगा, और इस तरीके की और भी क्विज आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो।